So now coming to question number 8. Question number 8 says, describe the various ways by which seeds are dispersed. अब हमें बताने अलग अलग तरीके जिनसे seed dispersal होता है. Seed dispersal होता क्या है? जो किसी भी fruit के या किसी भी plant के जो seeds है वो कैसे फैलते हैं. So इसमें सबसे पहले seed dispersal by animals. अब animals की help से seed कैसे फैलते हैं? There are many ways by which birds and animals can disperse seed. बहुत सारे ways हैं जिससे birds और animals seed disperse कर सकते हैं. For example, they can eat the fruit and excrete the seed away from the plant. अब ऐसा हो सकता है कि कोई fruit है उन्होंने खाया and then उसको excrete कहीं और जाके किया. तो वो किसी और region में जाके अगर वो excrete कर रहे हैं तो वहां पे उनका जो excretion है waste material है उसमें seeds होंगे. तो अब वो seeds वहां पे grow होंगे. ठीक है. So, इस तरीके से हो सकता है. Also, some seeds have barbs that get attached to the animal's body and are carried to new sites. और कभी कभी ऐसा होता है कुछ seeds में barbs होते हैं उसमें क्या होता है जैसे अगर एनिमल कहीं बैठा हुआ है तो वो उसकी बॉडी पे अटैच हो जाएंगे बॉडी से चिपक जाएंगे एंड देन जब वो अगर बर्ड है तो फ्लाई करके कहीं और चली गई या एनिमल है तो वो किसी और रीजन में जा रहे हैं कहीं और जा रहे हैं तो वहां पे वो सीड गिर सकते हैं. सो इस तरह से सीड एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रेवल हो रहे हैं विद द हेल्प ऑफ एनिमल्स. देन नेक्स्ट है डिस्पोजल बाय वॉटर. अब वॉटर की हेल्प से कैसे होता है? डिस्पोजल बाय वॉटर टेक्स प्लेस इन सम एक्वेटिक प्लांट्स एंड इन सम प्लांट्स विच ग्रो नियर अ वॉटर बॉडी. तो पहली बात तो वॉटर वाले कौन से वाले थे? एक तो एक्वेटिक प्लांट्स में मोस्टली होता है और ऐसे प्लांट्स जो वॉटर बॉडी के पास ग्रो करते हैं. सीड्स ऑफ वॉटर लिली फ्लोट एंड दस डिस्पर्स बाय वॉटर. अब जैसे वॉटर लिली है तो उसके जो सीड्स है वो वॉटर की हेल्प से ही तो फैल रहे हैं. वॉटर की हेल्प से वो फ्लोट कर रहे हैं राइट. सो इस तरह से वॉटर की हेल्प से भी सीड डिस्पर्स हो सकते हैं. अब इसके अलावा दो और चीजें जिन पे हम आएंगे. सो द नेक्स्ट वन इज डिस्पर्सल बाय विंड. अब सीड का जो डिस्पर्सल है वो विंड से भी होता है. सीड्स ऑफ सम प्लांट आर लाइट वेट एंड सम हेयर लाइक और विंग लाइक स्ट्रक्चर आर प्रेजेंट ऑन देम. तो कुछ ऐसे सीड्स होते हैं जो बहुत ही ज्यादा लाइट वेट होते हैं उनके ऊपर फेदर सा या कुछ विंग सा बना होता है जिससे वो हवा के साथ फ्लोट कर सके. सो सच सीड्स फ्लोट ऑन एयर एंड आर दस डिस्पर्स बाय विंड. सो ये क्या होते हैं? एयर के साथ विंड के साथ फ्लोट करने लग जाते हैं विंड के साथ ब्लो हो जाते हैं. एग्जाम्पल डैंडेलियन है मैम्पलिन है ड्रमस्टिक है एटसेट्रा. सो ये सब इसके एग्जाम्पल है जो जिसके सीड्स विंड से डिस्पोज हो जाते हैं. ओके देन द लास्ट वन इज डिस्पर्सल बाय एक्सप्लोजन. सो समटाइम्स द सीड्स आर डिस्पोज बाय द बर्स्टिंग ऑफ फ्रूट विद सडन जंप. एकदम से अगर कोई फ्रूट है एंड वो एकदम से फट जाता है तो उसमें क्या होगा? जो उसकी सीड्स है वो स्प्रेड आउट हो जाएंगे राइट. So the seeds get scattered or distributed far from the parent plant, example castor and balsam. So इसमें क्या होता है? जैसे वो अगर फ्रूट कोई फट गया या कोई एक्सप्लोजन होता है जर्म्स की वजह से तो वो क्या होगा कि उसका जो पेरेंट प्लांट है उससे दूर जाके वो गिर सकते हैं राइट. देन वो ग्रो वहां पे होगा तो वो अपने पेरेंट प्लांट से दूर जाके ग्रो हो रहे हैं. ओके सो इन दिस वे वी हैव सीन कि इस चार तरीकों से सीड डिस्पोज हो सकते हैं. ओके नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन.